हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करने हैं। अगर मार्केट का अपनी गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स अभी यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी अभी कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अभी हमारे पास रजिस्टेंस 44,800 का स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है और डाउन साइड में 44,150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट के पास 600 पॉइंट का एक बड़ा स्पेस है, एक बड़ा रेंज है और इसमें मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। एक दो दिन और इसी रेंज में ट्रेड करेगा सर, 800 के ऊपर निकलेगा बाइंग करेंगे, 45,000 तक फर्स्ट टारगेट। अगर ये डाउन साइड में निकलती है 44,150 के नीचे तो 43,950 का फर्स्ट टारगेट और फिर इसके बाद 43,500 का सपोर्ट आ जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ब्रेक डाउन करने के बाद एक लंबा डाउन साइड का ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलेगा। जितने लोगों ने मेरा वीकली एंड मंथली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, जा करके देखें, उसका लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, देखें, वहां पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल हमें कहां पे बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहां पर बैंक निफ्टी की एक्टिविटी देखें तो ये फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा और स्लोली स्लोली अपसाइड में मूव करा था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना 44,700 से लेकर के 800 का रेंज, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना। यहाँ से मार्केट लग रहा था पॉजिटिव मूव करेगा, इसके ब्रेकआउट के बाद ऐसे अपसाइड सस्टेन करना चाहिए था बट अचानक से इसमें डाउनफॉल की मोमेंटम आई और ये डाउन साइड में जाकर के क्लोज कर गया। अगर एक कल फ्लैट ओपनिंग के बाद 500 के नीचे एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट इसका 44,250 का, अगर इसे ब्रेक डाउन करती है तो 44,150 तक आ सकती है। इसके नीचे 350 पॉइंट का स्पेस है। अभी जो मूव मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा स्लोली मूव मिलेगा और यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलेंगे बहुत ही कम पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पर मिल चुकी है, अप एंड डाउन दोनों तरफ का मूव दे चुका है। अभी मार्केट में वोलेटिलिटी टू साइडवेज का साइकिल आने वाला है, अभी मार्केट वोलेटाइल हो रही है, अभी साइडवेज भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम लोग 44,500 के नीचे सेल करेंगे, फर्स्ट टारगेट 44,250 से 300 का टारगेट होना चाहिए, इसलिए इसको भी अगर ब्रेक डाउन करती है तो 44,150 सेकंड टारगेट हमारा होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 अभी मिल जाए तो काफ़ी है, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है, एक दो दिन रेंज में ट्रेड करेगा, इसके बाद ही ट्रेंडिंग होगी तो हम लोग फिर लंबा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, जब मार्केट 44,800 के ऊपर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट 45,000, सेकंड टारगेट 45,175-200 का टारगेट होना चाहिए। तो अपर साइड में भी हमें 300-400 पॉइंट्स का स्पेस मिल रही है, पहले हम लोग यहां पर 44,800 के ऊपर बाइंग करेंगे, 45,200 पॉइंट्स भी बहुत है हमारे लिए और फिर अगर इसको भी ब्रेक करती है, 45,000 लेवल साइकोलॉजी लेवल है, यहां से मार्केट मल्टीपल टाइम को हिट कर चुका है, दैट मींस ए लेवल को अगर अगेन मार्केट जाती है तो इसका ब्रेकआउट होने का चांस है। तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट में ला करके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, अगेन ये 45,200-250 का लेवल टच करने जा सकता है। ये लेवल थोड़ा सा ए रेंज हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, 44,800 से लेकर के 500 का रेंज, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन होने वाला, तो इस रेंज से दूर रहें, यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, हमारा स्टॉप लॉस खाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए प्रॉपरली हमारा लेवल ब्रेक होना चाहिए 44,800 का, तो हम लोग बाइंग करेंगे और 44,500 का लेवल ब्रेक डाउन करेगी हम लोग सेल करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें थोड़ा सा प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। चलिए भी हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी डेली कैंडल में देखेंगे, ये निफ्टी के लिए अभी जो रजिस्टेंस बना हुआ है 19,700
65 से लेकर के 800 का, ये 19,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 19,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी एक कंसोलिडेशन जोन हो सकती है, वोलेटिलिटी जोन हो सकती है। अभी इसके बाद मार्केट अगर 19,800 को ब्रेक किया, अगेन 20,000 का लेवल या फिर अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा। अगर ये 19,500 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो फर्स्ट टारगेट 19,200 का, सेकेंड टारगेट 19,000, ये साइकोलॉजी लेवल तक भी आ सकती है। लेकिन अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखते हैं एग्जैक्टली कल हमें कहां पे बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अभी यहाँ निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 700 के पास में होल्ड कर रही थी। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 600 के पास से, ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा सस्टेन किया 700 के पास से। इसमें आधा घंटा के अंदर एक शार्प सेलिंग हुआ और इस एक जो लो लगा है 19,600 के आसपास तक, लो 19,617-18 का लो लगा है, तो 80-90 पॉइंट यहाँ से धड़ाधड़ गिर गया। अभी एक क्लोज दिया है 19,638 के पास, इसकी क्लोजिंग हुआ है। अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 19,750 का रेजिस्टेंस है, 19,750 से 800 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में इसकी जो सपोर्ट है 19,500 का, इसकी सपोर्ट है। अभी ये मिड में ट्रेड कर रही है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, इससे इसके ऊपर 100 पॉइंट का इसके ऊपर रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में भी इसके नीचे 100 से 120 पॉइंट का नीचे सपोर्ट है। अभी ये मिड में है तो अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, फ्लैट ओपन होगी या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होगी। 19,750 के ऊपर, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो हम लोग इसे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन बाइंग तभी करेंगे जब 19,800 के ऊपर इसके ऊपर ये ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। इसके ऊपर एक फ्रेश बाइंग होगी और यहाँ से हम लोग पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। ये लेवल है जो फंसाने वाला लेवल है, ट्रैपिंग जोन है। अगर इसमें मोमेंटम करती भी है, कुछ प्राइस सेक्शन बनाती भी है तो हमें ट्रैप करेगा, किसी भी पॉइंट से धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा। अगर इसे डाउन साइड में निकलना है तो फिर 19,600 के नीचे, इसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। इसके नीचे 5 मिनट का एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग सेल करेंगे। 500 तक टारगेट रहेगा, हम लोग यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करेंगे। अगर इसके नीचे आ करके फिर अपर निकलती है, स्टॉप लॉस एक खाती है, हम लोग यहाँ पर अपना फिर अगेन ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर ये अपर जा रही है, निकल रही है, तो फिर यहाँ पर ट्रैपिंग स्टार्ट करिए, तो हम लोग यहाँ पर अगेन ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक बार ये सेल में जाने के बाद अगर यहाँ पर अपर साइड निकलना स्टार्ट करती है तो फिर हम लोग ट्रैप हो गए। यहाँ पर हम लोग को स्टॉप लॉस देकर के इजिली आउट हो जाना चाहिए और फिर बेहतर प्राइस एक्शन। 800 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, 500 के नीचे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। लेकिन सेल में हम लोग एक रिस्क लेना चाहेंगे, अगर एक 600 के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं। ये जो ट्रेड होगा, इसके नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग पर जो ट्रेड हम लोग करेंगे, ये ट्रेड 60% का प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ पर 60% चांस होगा कि ये डाउन साइड मूव करेगा, 40% चांस होगा कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस खाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पोजीशन साइज डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग फुल क्वांटिटी में यहाँ पर सेल नहीं करने वाले हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे, कुछ को होल्ड करेंगे। ये सेल खाती है तो हम लोग यहाँ पर इजिली एसएल देकर के आउट हो जाएंगे। अगर हमारे फेवर में जाती है तो फिर हम लोग को एक गिल्ट नहीं होगा कि हमने अपना ट्रेड नहीं किया। अगर हमारे फेवर में जाती है तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अगर बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम लोग प्राइस बटन के लिए वेट करेंगे, इसके बाद ही हमें ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।